डिलीवरी के बाद डर, एंजाइटी, गिल्ट, नींद पूरी होने में तकलीफ होना या फिर न्यूबॉर्न बेबी के साथ बॉन्ड करने में तकलीफ होना बेबी ब्लूज या पोस्टपार्टम डिप्रेशन का रीजन हो सकता है। दोनों के ही सिम्टम्स काफी मिलते जुलते हैं। आइए पहले बेबी ब्लूज के बारे में जान लेते हैं। ये स्टेट लगभग 10 दिन तक रह सकती है और ये इतनी इंटेंस नहीं होती। 5 में से 4 न्यू पेरेंट्स बेबी ब्लूज एक्सपीरियंस कर सकते हैं और ये फीलिंग बहुत ही आम है। भूख कम लगना, बेवजह रोने लग जाना, उदास रहना, मूड स्विंग्स होना या फिर सोने में परेशानी होना, सब ही बेबी ब्लूज के सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन की। तो ये बेबी ब्लूज से काफी ज्यादा सिवियर है। ये कुछ हफ्ते तक, महीने तक या फिर 1 साल तक भी हो सकती है और जरूरी नहीं कि ये 1 साल में ही ठीक हो जाए। 7 में से 1 महिला ये एक्सपीरियंस कर सकती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में बहुत ही ज्यादा चिंतित होना, उदास होना, कोई भी चीज करने से मन उठ जाना, सुसाइडल थॉट्स आना, अपने बच्चे से ही बॉन्ड ना कर पाना या फिर अपने बच्चे के बारे में उल्टे सीधे ख्याल सोचना, पोस्टपार्टम डिप्रेशन या बेबी ब्लूज के कई कारण हो सकते हैं, जैसे डिप्रेशन या पोस्टपार्टम डिप्रेशन की फैमिली में हिस्ट्री होना, न्यू मदर को सोशल सपोर्ट ना मिलना, माँ को अपनी शादीशुदा जिंदगी से दुखी होना, सिंगल पेरेंट होना या फिर स्पेशल नीड्स के बच्चे को जन्म देना। और अगर आपको डिलीवरी के बाद ऐसे सिम्टम्स दिखे तो तुरंत अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताएं। इसके लिए सही ट्रीटमेंट लेना और सपोर्ट लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।